एपिसोड 82, डिंपल की मुंबई वापसी। जैसा कि वरुण ने डिंपल से कहा था, उसी शाम मिस्टर शर्मा डिंपल की कारपेट फैक्ट्री का काम संभालने के लिए धनबाद पहुंच जाते हैं और उनके साथ ही डिंपल के घर पर उसकी मां की मदद करने के लिए एक केयर टेकर भी पहुंचती है, क्योंकि डिंपल को अगली सुबह ही मुंबई के लिए निकलना था। इसीलिए उसने शाम को ही मिस्टर शर्मा से मिलकर उन्हें अपनी फैक्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया था और यहां आकर उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहा था। मिस्टर शर्मा से बात करने के बाद डिंपल कम से कम अपनी फैक्ट्री को लेकर तो निश्चिंत हो गई थी, लेकिन घर पर उसकी माँ का मिजाज उसके लिए अभी तक चिंता का कारण बना हुआ था। डिंपल की माँ ने केयर टेकर को अपने घर में रखने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से केयर टेकर को मिसेज मित्रा के घर रहना पड़ रहा था और ये बात डिंपल को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अगली सुबह जब डिंपल, मिसेज मित्रा, रति और बाकी की चार औरतों के साथ मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल ही रही थी, तो डिंपल के पैर छूने पर उन्होंने उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया था और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वहीं व्हील चेयर पर बैठे उसके पापा ने बड़े इत्मीनान से कहा था, विजय भवा, जिसे सुनकर डिंपल खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई थी। जहां एक तरफ डिंपल की ये हाल थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक्साइटमेंट के कारण आज वरुण की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी और एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार होते हुए उसने लगभग अपना पूरा वार्डरोब तहस नहस कर दिया था। वरुण कभी एक शर्ट पहनता तो कभी दूसरी और फिर उस पर अलग अलग ब्लेजर ट्राई कर रहा था। उस पर फिर मैचिंग टाई और जूते मोजे मैच करना उसके लिए एक अलग ही झंझट थी। किसी तरह वरुण तैयार हुआ और ऊपर से नीचे तक खुद को शीशे में देखता हुआ बोला, ये भी ठीक ही है, और अपने कमरे से निकल गया। वरुण जब लिविंग रूम में पहुंचता है तो आलिया पहले ही वहां बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आज के मौके के लिए खास आलिया ने ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर ग्रे कलर का पैंट सूट पहना था और अपने बालों को पीछे एक चोटी में बांध रखा था, जिससे कि उसके चेहरे का आकार पूरा दिख रहा था। आलिया डिंपल पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए आज उसने अपने स्टाइल पर खास ध्यान दिया था। लेकिन वरुण को देखकर वो हैरान रह गई थी। उसने उससे कहा, लड़कियों से ज्यादा तैयार होने में तुम्हें टाइम लगता है, और जितने अच्छे तुम लग रहे हो तुम्हारा इतना टाइम लेना तो बनता है। क्या इरादा है, डिंपल को एयरपोर्ट से ही डेट पर ले जाने वाले हो क्या? आलिया की ये बात सुनते ही वरुण के दोनों गाल लाल हो जाते हैं और वो हंसता हुआ आलिया से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं करने लगी हो आजकल मुझसे? भूलो मत, अगले कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब चलो, उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जल्द ही वरुण और आलिया एयरपोर्ट पर होते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए मजाक कर रहे थे। डिंपल की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वो बाकी सबके साथ कभी भी बाहर आ सकती थी। तभी आलिया के आंख में कुछ चला गया और उसने वरुण से कहा, वरुण, आई थिंक मेरी आंख में कुछ चला गया है, तुम देखोगे प्लीज? ये सुनकर वरुण आलिया के थोड़े करीब जाता है और अपना एक हाथ उसके चेहरे पर आंख के करीब रखे उसमें देखने लगता है। वरुण को अपने इतने करीब पाकर आलिया को अपने अंदर एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो वरुण से पूछती है, पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आए हो क्या वरुण, जो इतना घबरा रहे हो? आलिया के करीब जाते हुए वरुण को डिंपल के फैक्ट्री के गोडाउन में हुआ वो वाक्या याद आ जाता है, जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन तभी आलिया का ये सवाल सुन वो उससे दूर छिटकता हुआ कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लो। वरुण अभी ये कह ही रहा होता है कि उसे किसी के जबरदस्ती खांसने की आवाज सुनाई देती है और वो जब उस आवाज की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सामने डिंपल खड़ी थी, जिसने उसके और आलिया के बीच ये सब होते हुए देखा था, और वो आवाज जिसने निकाली थी वो थी डिंपल के पास खड़ी रति। एयरपोर्ट पर वरुण से मिलने के कई ख्वाब डिंपल ने अपने मन में सजाए थे, लेकिन वहां आते ही जो नजारा उसके सामने था उसने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। और डिंपल ने मन ही मन खुद से कहा, अब आलिया और वरुण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फोटो सारे न्यूज़पेपर में छपी थी तो उसमें तो थोड़ी सच्चाई होगी ही। डिंपल के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देकर आलिया को यकीन हो गया था कि उसके पहले आइडिया ने काम कर दिया है। वहीं वरुण, जिसने डिंपल से मिलते ही ना जाने क्या क्या कहने के बारे में सोचा, वो बिल्कुल चुप हो गया था, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि डिंपल सच में उसके सामने मुंबई में खड़ी है।
जल्द ही सब एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग में खड़े होते हैं और धनबाद से आए हुए सभी लोगों का सामान बस में रखने के बाद वरुण डिंपल को लोकेशन तक अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। लेकिन एयरपोर्ट पर आलिया और वरुण की नजदीकियां देखने के बाद डिंपल ये कहकर मना कर देती है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और रिजॉर्ट पहुंचने तक वो बस सोना चाहती है। इसके बाद वरुण डिंपल पर जोर नहीं देता और 2 घंटे में वो लोग सिंघानियाज के बीच व्यू वाले रिजॉर्ट के सामने खड़े थे। डिंपल को इस तरह के ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके साथ बाकी लोग जैसे हर चीज को देखकर हैरान हो रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने देश में नहीं बल्कि कहीं और हों। तभी रति अपने पास खड़ी डिंपल के कान में धीरे से कहती है, डिंपल दी, मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ भी ऐसी शानदार जगह हो सकती है। मैं तो इस एक हफ्ते फुल ऑन मजा करने वाली हूँ, क्या पता लाइफ में ऐसा दूसरा मौका मिले या ना मिले। रति की ये बात सुनकर डिंपल मुस्कुराती हुई कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, क्या पता लाइफ में ये मौका, ये लोग दोबारा मिले या ना मिले। रति को डिंपल की इन बातों की गहराई नहीं समझ आती, इसलिए वो खुश होकर उछलती हुई बाकी सब के पीछे रिजॉर्ट के अंदर चली जाती है। बरसात का मौसम होने की वजह से रिजॉर्ट के सामने समंदर में हलचल बढ़ गई थी और डिंपल अपनी चप्पल उतार उसे हाथ में लिए हुए रेत पर चलती हुई उसके किनारे पहुंच गई थी। तेज हवा के कारण उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उन्हें संभालती हुई वो आसमान को देख रही थी। उसे अपनी माँ को इस तरह दुखी करके मुंबई आना अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वरुण को आलिया से ये कहते हुए सुनना कि वो पहले किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया उस पर बिजली गिरने जैसा था, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर वो सच नहीं था तो क्या कोई सपना था। अब डिंपल ने ठान लिया था कि वो जब तक यहाँ रहेगी अपने काम पर ध्यान देगी और खुद को आलिया और वरुण की नजदीकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। वो अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे महसूस करके वो चौंकती हुई पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ने पर डिंपल ने देखा कि वरुण खड़ा है। वरुण को वहां देखकर डिंपल भी फॉर्मेलिटी के लिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आती है और वापस समंदर की तरफ मुड़ती हुई कहती है, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स के लिए थैंक यू वरुण, अब बस उम्मीद है कि तुम्हारा इवेंट अच्छे से निपट जाए। डिंपल का अपने प्रति ऐसा ठंडा रवैया देखकर वरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो डिंपल से पूछता है, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ आने से आंटी बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कोई इशू है क्या? मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी तुम फोन कॉल्स पे थोड़ी खुश और होपफुल लग रही थी, पर यहाँ आने के बाद तुम बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रही हो। यहाँ अरेंजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम बताओ, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। वरुण को इस तरह परेशान होता देख डिंपल का हाथ अपने आप वरुण के हाथ पर चला जाता है और वो उसे समझाते हुए कहती है, सब ठीक है वरुण, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रति को तो तुम देख ही चुके हो, सातवें आसमान पर है। तुम बताओ काम कब शुरू करना है? डिंपल इस वक्त अपने और वरुण के बीच काम की एक लकीर खींचने की कोशिश कर रही थी, जिसका कारण वरुण नहीं समझ पा रहा था। वरुण डिंपल को जवाब देता हुआ कहता है, सब एक बार खा पी कर रेडी हो जाएं, उसके बाद एक बार लोकेशन दिखा देता हूं मैं तुम्हें, और फिर हम तो यहीं हैं, काम तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर डिंपल हां में अपना सर हिलाती हुई वरुण से कहती है, ठीक है तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। डिंपल की ये बात सुनने के बाद भी वरुण वहां से नहीं जाता है और जितनी देर तक डिंपल समंदर देखती है वो वहां खड़ा उसे देखता रहता है, जैसे अपनी आंखों में कोई तस्वीर कैद कर रहा हो। तभी डिंपल बिना उसकी तरफ देखे कहती है, तुम्हें पता है मेरे जैसे लोग जब एक बार समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? अचानक डिंपल का ये सवाल सुनकर वरुण अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हुआ जल्द से जल्द कोई सही जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब कुछ सेकंड्स तक वरुण कुछ नहीं कहता तो डिंपल अपने सवाल का जवाब देती हुई खुद ही कहती है, मेरे जैसे लोग एक बार समंदर देख ले तो उनके लिए जमीन पर रह पाना मुमकिन नहीं रह जाता, इसीलिए मैं ये सारा समंदर अपनी आंखों में भरकर धनबाद ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरा वहां रहना अब मुमकिन नहीं है। डिंपल की बातों में वरुण ने उसकी उदासी तो भाप लिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि समंदर से डिंपल का मतलब खुद वरुण से था। अब डिंपल का वरुण के बिना रह पाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो उसकी यादों को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी।
थोड़ी देर वहीं साथ खड़े रहकर वरुण और डिंपल समंदर में उठती गिरती लहरों को देखते रहते हैं और फिर रिजॉर्ट वापस लौट जाते हैं। वहां लौटने के बाद डिंपल सीधे अपने कमरे में पहुंचती है जिसमें उसका सामान पहले ही पहुंच चुका था। कपड़े बदलने के बाद डिंपल नीचे कैफेटेरिया में पहुंचती है जहां सब उससे पहले ही पहुंच चुके थे और भूखे होने के कारण खाना भी शुरू कर दिया था। डिंपल का खाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन सबको खाता देख वो भी वहां एक चेयर पर बैठ सबके साथ खाना खत्म करने का इंतजार करने लगती है। खाना खत्म होते ही सबसे पहले डिंपल अपनी चेयर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और जब वरुण और आलिया को अपनी तरफ आता देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि उनसे बात करने से बचने के लिए वो कहां मुड़ जाए। तभी आलिया उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ डिंपल, तुमने कुछ खाया भी नहीं, अभी सब ठीक है ना? चलो हम अभी इवेंट का लोकेशन ही देखने जा रहे हैं, बस यहीं पास में ही है। डिंपल आलिया से पहले नहीं मिली थी लेकिन ये जानती थी कि वो वरुण के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती है। उसके यहाँ से जाने के बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए हैं। डिंपल चुपचाप बाकी सब के साथ चलने लगती है लेकिन वो बार बार अपने आगे चल रहे वरुण को पीछे मुड़कर अपनी तरफ देखता हुआ महसूस करती है और मन ही मन खुद से कहती है, इसका क्या मतलब है वरुण, करना क्या चाहते हो तुम? वहीं वरुण के मन में भी इस वक्त हूबहू यही चल रहा था, इसका क्या मतलब है डिंपल, करना क्या चाहती हो तुम? दोनों धीरे धीरे गलतफहमी का शिकार हो रहे थे जैसे कि आलिया चाहती थी। जब सब लोकेशन पर पहुंचे हैं तो देखते हैं कि वहां पर शुक्ला जी पहले से मौजूद हैं और वहां के मैनेजर से कुछ बातें कर रहे हैं। तभी आलिया वरुण से तेज चलती हुई शुक्ला जी के पास पहुंच जाती है और शुक्ला जी उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं, अरे आलिया मैडम, शहर की इतनी दूर आप यहाँ कैसे? और आलिया चहकती हुई शुक्ला जी को जवाब देती है, दोस्ती की फीस वसूल रहे हैं वरुण, बस उसी सिलसिले में यहाँ तक खींच लाया है मुझे, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर शुक्ला जी आलिया को बताते हैं कि उनके कुछ क्लाइंट्स यहाँ ठहरे हुए हैं, वो उनसे ही मिलने आए हैं। शुक्ला जी को आलिया से इस तरह हंसकर बात करते हुए डिंपल भी देखती है और उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो उनसे पहली बार उस होटल में मिली थी। वरुण और मिनी के साथ और कैसी सख्ती से उन्होंने डिंपल से पूछताछ की थी। आज शुक्ला जी को इस तरह देखकर डिंपल को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शुक्ला जी हैं। तभी आलिया से बात करते हुए शुक्ला जी के चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है और वो आलिया को एक तरफ हटाकर वरुण की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त शुक्ला जी के चेहरे पर जो भाव थे उन्हें देखकर वरुण समझ गया था कि उन्होंने उसके पीछे खड़ी डिंपल को देख लिया है जिसे वो इतनी देर से अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। शुक्ला जी के चेहरे पर ऐसे भयानक भाव देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और शुक्ला जी वरुण के सामने पहुंचकर ठीक उसके पीछे खड़ी डिंपल की तरफ इशारा करते हुए ऊंची आवाज में वरुण से पूछते हैं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या है डिंपल से शुक्ला जी की चिढ़ की वजह और कैसा होगा डिंपल का ये हफ्ता मुंबई में, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।